नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस टूटती हुई नजर आ रही है। ये तब हो रहा है जब प्रियंका गांधी की अगुवाई में पूरे प्रदेश में कांग्रेस को लेकर एक अलग ही माहौल बनने लगा है, लेकिन वह पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को रोक नहीं पा रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार के साथ चार पीढ़ियों का नाता रखने वाला यह पहला परिवार नहीं है जिसने हाथ का साथ छोड़ दिया हो, बल्कि सलीम शेरवानी, जितिन प्रसाद चौधरी, विजेंद्र सिंह जैसे नेता भी कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। वहीं अनु टंडन और अदिति सिंह का भी पार्टी से मोह भंग हो गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभालने के बाद से ही प्रियंका गांधी जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की मशक्कत कर रही हैं, लेकिन वह पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को रोक नहीं पा रही हैं। ललितेशपति त्रिपाठी के इस्तीफा देने के साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री रहे पंडित कमलापति त्रिपाठी परिवार का गांधी परिवार और कांग्रेस के साथ 100 सालों का नाता चौथी पीढ़ी तक पहुंचकर समाप्त हो गया। वहीं अब सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस से विधायक चुनी गई अदिति सिंह बीजेपी में शामिल हो गयी है। वह पिछले काफी समय से बीजेपी की करीबी रही है। गुरुवार को वह औपचारिक तौर पर बीजेपी की सदस्य बन गयी। अदिति सिंह के अलावा आजमगढ़ के सगड़ी से बीएसपी विधायक वंदना सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गयी। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी वहां मौजूद रहे। अदिति सिंह रायबरेली सदर से कांग्रेस की सीट पर 2017 में पहली बार विधायक बनी थी, लेकिन अदिति सिंह की सबसे बड़ी पहचान है कि वह बाहुबली अखिलेश सिंह की बेटी हैं। अखिलेश सिंह 5 बार के विधायक रहे। कुछ वक्त पहले उनका निधन हुआ है और निधन के बाद से ही अदिति सिंह बीजेपी के ज्यादा करीब रही है। बता दें कि अदिति सिंह को पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का काफी करीबी माना जाता रहा है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर दिया था। कांग्रेस पार्टी उनकी सदस्यता खत्म करने को लेकर पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को लिख चुके हैं। भाजपा ने इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी से हरा कर कांग्रेस के गढ़ पर कब्जा कर लिया था। वहीं पिछले कई सालों से रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। हालांकि अदिति सिंह के तौर पर बीजेपी को एक नया चेहरा जरूर मिला है। यूपी चुनाव से पहले ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। वही जिस तरह से अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं का एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने का सिलसिला भी तेज होता नजर आ रहा है। कांग्रेस की जिस तरह से विधायक रही अदिति सिंह अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं, इससे अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस को इससे बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।